वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी की। फर्टिलाइजेशन क्या है? जिसमें मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन हो रहा है और एक जायगोट फॉर्म हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जो फीमेल गैमिट है, उसमें डेवलपमेंट होगा डायरेक्टली एक इंडिविजुअल में बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमिट डायरेक्टली एक इंडिविजुअल को जन्म दे देती है, राइज दे देती है बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल है इसके हनी बीज, रोटीफर्स, लीजर्स एक्सेट्रा। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो टू टाइप्स के हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है वो बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, बॉडी के वो आउटसाइड जो फ्यूजन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, इसमें फ्यूजन हो रहा है गैमिट्स का लेकिन बॉडी के अंदर हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। अब बहुत सारे गैमिट्स जो है रिलीज हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको इसमें बताया भी था कि वाटर कुछ एनिमल्स या कुछ जो जैसे एंजियोस्पर्म्स वगैरह या कुछ ब्रायोफाइट्स वगैरह जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनके लिए जो वाटर है वो एक मीडियम की तरह एक्ट करता है, जिसमें गैमिट्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं बहुत सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो, और उसके बाद वो वाटर्स जो गैमिट्स रिलीज होंगे वो एग को फ्यूज करेंगे। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर में लेकिन जो एग्स होते हैं वो जो प्रोड्यूस होते हैं वो कम होते हैं। ऑफस्प्रिंग जो है वो जैसे वाटर में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो एक्सटर्नल हो रहा है, तो जो ऑफस्प्रिंग है जो मतलब आगे जाके जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा उसको खतरा होता है अपने प्रेडेटर से, क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन नहीं रहती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोटेक्ट कर लेते हैं जब तक वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते तो उनको खतरा होता है अपने प्रेडेटर से। जो ऑफस्प्रिंग्स है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में वो अच्छे से प्रोटेक्ट रहते हैं फीमेल वोम्ब में। इसके एग्जांपल्स है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के, जैसे फिशेज वगैरह हो गई, फिशेज ऐसे ही एग ले कर देती है, बाद वाटर में एग ले कर देती है फिर वो फर्टिलाइज होते हैं, तो जब वो एग ले कर देती है तो उसके बाद उनको अपने प्रीडेटर से खतरा रहता है। जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, फ्रॉग्स भी ऐसे ही करते हैं, एल्गी हो गई। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल है बर्ड्स, मैमल्स एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, जो कि थर्ड स्टेप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड इवेंट है। इसमें क्या हो रहा है, जायगोट डेवलपमेंट हो रहा है। जायगोट डेवलपमेंट में क्या होगा, ये एनवायरमेंट के ऊपर और लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड होता है। ये क्या इंश्योर करता है कि स्पीशीज की जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे, कि कोई भी स्पीशीज है उसकी जनरेशन टू जनरेशन आगे स्पीशीज बढ़ती रहे, तो इसीलिए जायगोट डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्गी जैसे हो गए, फंजाई हो गया, तो इसमें जो जायगोट है वो डेवलप होता है, एक थिक वॉल जो होती है उससे वो डेसिकेट हो जाता है, उसको डैमेज करके फिर वो अलग हो जाता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो जायगोट है वो मियोसिस के अंदर मियोसिस वाला जो प्रोसेस है उसके थ्रू जाके वो डिवाइड होता है और एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो जायगोट है वो माइटोटिक डिवीजन में जाता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मियोसिस वाली साइकिल के थ्रू जाएगा और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल माइटोटिक। अब जाइगोट का डेवलपमेंट, जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड होगा, उसमें माइटोसिस होगा, उसके बाद उसकी टू सेल स्टेज फॉर्म हो जाएगी। टू सेल स्टेज के बाद फिर से उसमें माइटोसिस होगा, फोर सेल स्टेज फॉर्म हो जाएगी, फिर से माइटोसिस होगा, एट सेल स्टेज फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह डिवीजन होता रहेगा और एक ब्लास्टुला फॉर्म हो जाएगा जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। अब ये ब्लास्टुला ब्लास्टोसाइट्स में कन्वर्ट होगा। ये है पूरा प्रोसेस जिसमें जायगोट का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद है एम्ब्रियोजेनेसिस, जो कि इसी का ही सेकेंड पार्ट है। एक हमने पढ़ लिया है जायगोट डेवलपमेंट और अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है,
इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जाइगोट से, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि ब्लास्टुला स्टेज के बाद वो ब्लास्टोसाइट में फॉर्म हो जाएगा, इसके बाद ये एम्ब्रियो में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जाइगोट जो है उसमें बहुत सारे सेल डिविजन होंगे, बहुत सारे जैसे सेल डिविजन बढ़ते जाएंगे तो ये जो सेल डिफ्रेंशिएशन होगा वो अब धीरे धीरे टिश्यूज फॉर्म करेंगे, टिश्यूज से वो ऑर्गेन्स फॉर्म करेंगे। अब जो जाइगोट है वो अंदर भी डेवलप हो सकता है और बाहर भी डेवलप हो सकता है, तो इसको हमने ओवीपेरस और वीवीपेरस एनिमल्स में डिवाइड किया। जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, उसी तरीके से जो जाइगोट है वो इनसाइड भी डेवलप हो सकता है और आउटसाइड भी डेवलप हो सकता है। इसमें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट हुआ, उसका क्लीवेज हुआ, वो डिवाइड हुआ, सेल वगैरह डिवीजन हुए, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ, फिर ब्लास्टोसिस्ट से एम्ब्रियो फॉर्म होगा, फिर जब एम्ब्रियो मैच्योर हो जाएगा तो फिर से फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस तरीके से जो साइकिल है वो चलती रहती है। तो अभी मैं आपको ओवीपेरस और वीवीपेरस एनिमल्स में डिफरेंस बता देती हूँ। जो ओवीपेरस होते हैं वो उनके जो एग्ज होते हैं वो फर्टिलाइज्ड होते हैं। जो वीवीपेरस होते हैं एनिमल्स वो क्या करते हैं, वो जो यंग वंस होते हैं उनको बर्थ देते हैं। ओवीपेरस में वो एग ले करते हैं और फिर बाद में वो फर्टिलाइज होते हैं। और दूसरा है जो फर्टिलाइज एग्स होंगे उसमें एक कैल्शियस सेल्स प्रेजेंट होती है, जिससे कि जो यंग वन है, जो एक इसको हम शिशु भी बोल सकते हैं, तो वो उस एग से हैच होके बाहर आएगा जब उसका इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, जब वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा तब। लेकिन जो वीवीपेरस होंगे उसमें क्या होगा, जो फर्टिलाइज होगा, जो जाइगोट होगा, उसमें कोई शेल नहीं होती जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ये एक बॉडी के जो फीमेल बॉडी होगी उसके अंदर ही ये डेवलप होते हैं, तो अच्छे से प्रोटेक्टेड भी रहते हैं। जो ओवीपेरस एनिमल्स हैं उनके जो सर्वाइव करने के चांसेस है वो कम है। ये क्यों कम है, क्योंकि ये बाहर के एनवायरमेंट में रहते हैं और इनके जो प्रीडेटर्स हैं वो उनको खा भी सकते हैं, तो इनको खतरा रहता है। और जो वीवीपेरस एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल रहने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा है, क्योंकि ये अच्छे से वेल प्रोटेक्ट हैं। ओवीपेरस के एग्जांपल है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और वीवीपेरस के एग्जांपल है मैमल्स हो गया, ह्यूमंस जैसे, ये सारे एग्जांपल है वीवीपेरस के। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो जाइगोट फॉर्म होता है वो ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है, जहाँ पास जो जाइगोट है फिर वो बाद में वो एक एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। अब जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हो, ओव्यूल जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो एक सीड में डेवलप होगा, और जो ओवरी होगी फ्लावर में वो एक फ्रूट में डेवलप होगी, तभी हमको एक फ्रूट मिलता है जब ओवरी जब जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज होता है उस टाइम पे। अब जो सीड डिस्पर्सल होता है, बहुत सारे जो सीड्स होते हैं जैसे ओविल सीड में डेवलप हो गया, तो सीड डिस्पर्सल भी होता है और जर्मिनेट होने लग जाते हैं न्यू प्लांट्स में। और सीड डिस्पर्सल कैसे होता है ये भी हमने जान लिया है एनिमल्स के थ्रू, वाटर्स के थ्रू, विंड के थ्रू, इस ये सारी जो एजेंट्स है इनके थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है। अब जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है फ्रूट की उसको हम पेरिकार्प भी बोलते हैं, और या फिर इसको हम फ्रूट वॉल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि सीड क्या है, पेरिकार्प क्या है, ये सीड है और ये पेरिकार्प है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में बस इतना ही था जो कि अब हमने कंप्लीट कर लिया है, ये इसके लास्ट पार्ट थी चैप्टर वन की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की अपलोड करूँगी। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में बस इतना ही था, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।